मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है, आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 20वां अध्याय उसका 13वां वचन हम पढ़ें। नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। कल हम लोग उस वचन को मनन कर रहे थे कि किस प्रकार एक व्यक्ति जब वो पाप में मरा हुआ है, वो परमेश्वर की आवाज भी नहीं सुन पाता, ना ही परमेश्वर की इच्छा को देख सकता है। लेकिन मसीह यीशु के द्वारा जब नए जन्म का अनुभव होता है, तब जाकर उसकी सुनने की खूबी, आत्मिक तौर पर सुनने की और देखने की खूबियां खुल जाती हैं, और फिर एक व्यक्ति अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से, एक नए तरीके से देखने लगता है। जीवन के प्रति उसका पूरा दर्शन बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि समय कितना बहुमूल्य है और मैंने अपने जीवन में कितना कीमती समय बर्बाद किया है, और अब पूरा प्रयास करता है कि अब पहले की तरह नहीं, वरन प्रभु की इच्छा के लिए मैंने जीना है और प्रभु की इच्छा पूरी करनी है। एक संसारिक व्यक्ति को जब हम देखते हैं जिसे समय की कीमत का एहसास है, वो अपने जीवन में कठिन परिश्रम करता है। जो अवसर उसे मिलता है, वो अवसर को खोता नहीं है ताकि वो जीवन में आगे बढ़े। जीवन में सफल होने के लिए वो अपने नींद को त्यागता है और जितना मेहनत कर सकता है उतना करता है। ध्यान रखें, हमारे शरीर के रखरखाव के लिए नींद बहुत जरूरी है, तभी हमारा शरीर सही तरीके से काम कर पाएगा। ये परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी आशीष है, लेकिन हमने ध्यान देना है कि हमने बिस्तरे में समय व्यर्थ नहीं करना। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को उस तरीके से बनाया है, इसका घूमने का रफ्तार भी प्रभु ने तय किया, सूरज और चांद को भी बनाकर रखा ताकि हम दिन के समय काम करें और रात को विश्राम करें और अगले दिन के लिए ताजा होकर फिर जीवन का सामना करें। लेकिन अगर हम अपने जीवन की कीमत को एहसास नहीं करते और समय की कीमत को हम नहीं समझते हैं, तो हम अपने जीवन में बाद में पछताएंगे क्योंकि हमने कितना कीमती समय बर्बाद किया। दरिद्रता हमसे दूर नहीं है। अगर हम सुस्त रहे, अपने बिस्तरे को ज्यादा प्यार करें, तो हम अपने जीवन में एक बड़ी दुर्घटना का सामना करेंगे, बड़ी बर्बादी का सामना करेंगे। आज की दुनिया कितनी तेज रफ्तार से भाग रही है, अगर हम सुस्त और लापरवाह रहे तो हम तो पीछे रह जाएंगे, और फिर हम अपने जीवन की समस्याओं के लिए किसी को दोष नहीं दे सकते क्योंकि इन समस्याओं का कारण हमारी खुद की सुस्ती लापरवाही है। अगर हम निद्रा को, नींद को ज्यादा प्यार करते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए एक खतरनाक आदत को पाल रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है कि हम हरेक कठिन मेहनत करने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर की आदत भी ऐसी ही है। परमेश्वर ने मनुष्य को अदन बगीचा में भी रखा ताकि वो बगीचा का देखभाल करे। बगीचा का देखभाल करना एक आसान काम नहीं है, पहले दिन से ही आदम और हव्वा को काम करना है। उसे जिम्मेवारी लेनी है, उसे हिसाब देना है, तभी जाकर बगीचे का फल वो खा सकता है। नए नियम की शिक्षा में एक व्यक्ति जो कठिन मेहनत नहीं करता, उसकी सजा उसे भूखे रहने देना है। आज जब टेक्नोलॉजी, विज्ञान इतना तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है, मनुष्य उतना ही ज्यादा सुस्त भी बनता जा रहा है क्योंकि उसका आसरा मशीन पर हो गया। इसके कारण आज कितनी बीमारियां इंसान को पकड़ चुकी, हमारे बाप दादाओं ने ऐसी बीमारी कभी सुनी भी नहीं थी।
खाना से बढ़कर इंसान आज दवाई की सेवन करता है। ध्यान रखे, मेहनत करोगे तो उसका प्रतिफल है, सुस्त रहोगे तो आप बर्बाद भी होंगे। हमने पहले वचन सीखा है ना, कैसे चींटियों को देखकर हमने सीखना है वो कैसे कठिन मेहनत करते हैं। अब हम आत्मिक पहलू को जरा देखें। आज बहुत से लोग अपने आत्मिक जीवन के प्रति सुस्त हैं, वो इस संसार के आराम को चाहते हैं और फिर अचानक जीवन की घटनाओं से उनकी नींद जब खुलती है कितने परेशान होते हैं। बहुत सारे आज अपने काल्पनिक दुनिया में, स्वप्न की दुनिया में हैं, असलियत से दूर हैं, और जब जीवन के झटके लगते हैं उनके साथ के बाकी भी परेशान होते हैं, और ये उनके आत्मिक कंगाली की या आत्मिक गरीबी की निशानी है, आत्मिक बीमारी की निशानी है। शैतान भी ऐसे लोगों को तंग नहीं करता है, क्योंकि ऐसे सुस्त लापरवाह शैतान के राज्य के लिए खतरा भी नहीं है। आइए इन दिनों में परमेश्वर हमें ज्ञान और समझ दे, ताकि हमारे सामने जो भी अवसर मिलता है उसका पूरा लाभ उठाते हुए अपने दौड़ को पूरा करें। हमसे पीछे जो थे वो हमसे आगे निकल गए। प्रभु हमारे पैरों को और दृढ़ करें और बलवंत करें। हम सुबह के समय अपने अलार्म क्लॉक को कई बार स्नूज का बटन दबा देते हैं, क्योंकि हम उठना नहीं चाहते। कहीं ऐसा ना हो आज हम अपने आत्मिक जीवन में भी वो स्नूज का बटन दबा दें, ताकि थोड़ी और देर सुस्त रह सकें, फिर जब हम जागेंगे तब तक शायद देर हो जाएगी। आइए प्रभु हम एक एक को मदद करें, ताकि हम सुस्ती लापरवाही को दूर छोड़कर अपना दौड़ पूरा करें। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। आप हम एक एक से स्पष्ट तौर पर बात कर रहे हैं प्रभु। इन दिनों में हम अपनी सुस्ती लापरवाही छोड़कर, इन दिनों में समय की कीमत को समझकर, अपने भौतिक जीवन में भी और अपने आत्मिक जीवन में भी जागते हुए रहकर कठिन मेहनत करने के लिए हम एक एक को मदद करें, ताकि हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी महिमा प्रकट हो। हम एक एक को ज्ञान दे। संसार का सुख अच्छा लगता है लेकिन हमें बर्बाद करेगा। प्रभु इस बात को समझकर आगे चलने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।